अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन होम रेसिपीज़ चैनल। आज हम वेजिटेबल कटलेट्स बनाने की रेसिपी सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दो आलू लेना है हमें, मैश कर लेना है उबाल लेके, थोड़े से गाजर, बटाने, बीन्स की फली, कोथमीर पुदीना और कॉर्नफ्लोर। आलू में हम थोड़ा सा नमक, एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, चम्मच चाट मसाला पाउडर, दो चम्मच बारीक कटे हुए गाजर, दो चम्मच बटाने, मटर हमने दो चम्मच डाल लिए हैं और दो चम्मच बीन्स की फली। हम इसमें कोथमीर पुदीना डालकर इन सब पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। हमारे मिक्सचर को अब हम आलू के मिक्सचर पर हथेलियों में लेंगे, अपने हथेलियों पर तेल लगा लेके थोड़ा ग्रीजी कर लेंगे इसको। इस तरह से रोल करके इसकी एक राउंड शेप की टिकिया बना लेंगे और इसमें कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। इस तरह से हम ऐसे ही एक एक करके सभी कटलेट्स बना लेंगे। तेल गरम करके फ्लेम को चूल्हे की मीडियम पे रख लेके कटलेट्स इसमें तल लेंगे। मीडियम आंच पे तलेंगे इसको। दो मिनट ऐसे ही पकने के बाद इसको फिर से दोबारा पलटा के दूसरी साइड भी तलेंगे। एक साइड से कटली गोल्डन ब्राउन तले जाने के बाद दूसरी साइड भी पलटा लेके उसे थोड़ा हिला दें, दोनों साइड अच्छी तरह से तल लें, उसके बाद में इसे निकाल लें। हाँ, हमारे वेजिटेरियन कटलीस बन के तैयार हैं। आप इसे सॉस के साथ खाएँ, आप भी घर पे ट्राई करें, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।